हे फ्रेंड्स, आज हम फाइल टैग टैब देखते हैं और वो है 2019। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल टैब यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट में आपको पता चलता है ये कौन सा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आपको पता करना है कि कौन सा ऑफिस है तो आपको यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि ये 2019 है, 13 है या 16 है, और ये एक्टिवेटेड है या नहीं है। जैसे मेरा एक्टिवेटेड है। और अगर आपको थीम चेंज करनी है तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाली थीम जो भी आपको अच्छी लगती है वो वैसे ही आप कर सकते हो। मैं हमेशा वाइट रखता हूँ। फीडबैक आप दे सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास जाएगा ये, ठीक है। और सेंड स्माइल, और ये कैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगता है उस हिसाब से आप स्माइल सेंड कर सकते हो। ये आता है जनरल। जनरल में ये नॉर्मल चीज़ है, इसको छेड़ना मत। प्रूफिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेव एस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ईस्ट टू एस एस ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, एडवांस छेड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट सेंटर और ये छेड़ने की जरूरत नहीं है। कस्टमाइज रिबन, मैंने आपको पहला वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि ये पूरा रिबन होता है, ये टैब्स होते हैं और इसके अंदर कमांड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, ठीक है, तो होम टैब सबके सब इसके अंदर है। जैसे होम टैब आ जाएगा और इंसर्ट टैब आ जाएगा और ड्रॉ आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा, एनिमेशन आ जाएगा। तो सबके सब यहाँ पे है, आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप डेवलपर हो तब तो ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लिक कर देना, ओके कर देना, डेवलपर टूल आ जाएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैसे टूल बार, कोई कैसे टूल बार, ये सब शॉर्टकट दिख रहे हैं आपको, अनडू रीडू, ये सब शॉर्टकट है। ऊपर आप चाहते हो तो और भी ऐड कर सकते हो, आप चाहते हो उसको हटा भी सकते हो। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव, इंसर्ट पिक्चर रिमूव, फॉर्मेट बैकग्राउंड रिमूव, ड्रॉ टेबल रिमूव, ओके कर दिया। अब वो देखना यहाँ से सब बढ़ गए, देखा। तो ये शॉर्टकट है, आप ऐड भी कर सकते हो अकाउंट पे जाके फटाफट, इसमें सॉरी ऑप्शन पे जाके, ऑप्शन पे जाके क्विक एक्सेस टूल बार पे और ब्रिंग फॉरवर्ड ऐड कर दिया, देख, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट साइज, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ वर्टिकल टेबल, ओके किया, अब ये यहाँ पे आ गए। तो ये सब शॉर्टकट होता है, आप वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। जो भी आपको फटाफट करना होता है ना, जैसे कोई काम कर रहे हो आप तो आपको शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जो आपके टूल्स नेसेसिटी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लोज मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। क्लोज करूँगा तो ये प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वीडियो ट्रांसफर मतलब वीडियो क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, देखना। और पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, जैसे इस फाइल की कोई पीडीएफ क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो। शेयर मतलब आपके पास शेयर, आप क्लाउड पे शेयर कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो, और प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रिंट के लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, वो देखना। ये जो इम्पोर्टेंट है प्रिंट एक्सपोर्ट, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो देखना, क्लियर हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन में पता चल जाता है कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, और कितनी स्लाइड है, नंबर ऑफ स्लाइड एक है, साइज़ कितनी है अभी तक पता नहीं चली है क्योंकि मैंने इसमें काम किया नहीं अभी। टाइटल, टैक्स, कैटेगरीज ये सब बता देगा आपको, ऑथर कौन है, लास्ट मॉडिफाई कब तक है, बस ये बताएगा, ठीक है। अब आता है सेव। सेव एक्चुअल में हुआ हुआ है प्रेजेंटेशन वन के नाम से। अगर आपको दूसरे के नाम से सेव करना है कि हाँ मेरे को दो नाम से सेव करना है तो आप कर सकते हो। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे प्रेजेंटेशन 110 दे दो, ठीक है, ये नाम दे दें, ये दूसरा नाम है। अगर आपको दूसरे नाम से सेव करनी है, यहाँ पे आ गया प्रेजेंटेशन, तो अगर आपको दूसरे नाम से सेव करनी है तो सेव एस पे चले जाओ। सेव मतलब एक नाम से सेव है, सेव एस पे मतलब दो नाम से सेव है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब है, नॉर्मल चीज़ है। ओपन मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई पहले से ही पीडीएफ फाइल है, जैसे इंट्रोडक्शन है, मेरी पहले वाली पीडीएफ फाइल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ओपन हो गया, देखा आपने, ये पूरा ओपन हो गया। तो आपकी जो सेव वाली फाइल है उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक कर देना। न्यू मतलब क्या होता है कि आपको नए सिरे से काम करना है, कि मेरा वो काम खत्म हो गया, मेरे को नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो न्यू पे जाना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना और ये आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें होती है। ओपन मतलब क्या होता है, कोई सेव की हुई फाइल को ओपन करना। न्यू मतलब आपको नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, आपको ये पूरा दे देगा कितने घंटे काम किया, क्या किया। सेव मतलब क्या होता है, एक नाम से सेव हो गया, जैसे प्रेजेंटेशन सेव है, मतलब दूसरे नाम से सेव करना आपको, ठीक है। प्रिंट मतलब मैं आपको इस प्रिंट और एक्सपोर्ट में मैंने नई वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैं उसमें देखना,
चेक करना, और इसमें पता चल जाता है इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा क्विक एसेस टूल बार इंपॉर्टेंट है, रिबन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब रिबन में जो भी हुआ हुआ है डिफ़ॉल्ट वही रहने देना, कोई चेंज मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्विक एसेस टूल बार कोई भी शॉर्टकट हो तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो फटाफट, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना, रिमूव कर देना बस। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है फाइल टैब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।